हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में देखिए न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो ये एक तरह के बायोपॉलीमर्स होते हैं जो कि रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट्स की लॉन्ग चेन से बने हुए होते हैं और इन रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट्स को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं अब न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड तीन कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना हुआ होता है पहला कंस्टिट्यूएंट हो जाएगा पेंटोज पेंटोज में राइबोस शुगर या डी ऑक्सीराइबोस शुगर हो सकती है दूसरा कंस्टिट्यूएंट हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक बेस इसमें प्यूरिन या पायरिमिडिन बेस हो सकता है और तीसरा कंस्टिट्यूएंट हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड अब देखिए न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये हो जाएगा बेस ये हो जाएगी शुगर और ये हो जाएगा फास्फोरिक एसिड अब देखिए न्यूक्लिक एसिड की जो पॉलीमेरिक चेन होती हैं वो एक न्यूक्लियोटाइड के थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में जॉइनिंग से बनती हैं और इस जॉइनिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं इस तरह से न्यूक्लिक एसिड्स का बैकबोन स्ट्रक्चर बन जाता है अब देखिए ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं उसको हम डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं इसी तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल में तीन से लेकर 10 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होती हैं तो उसको हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे और अगर किसी मॉलिक्यूल में 10 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होती हैं, तो उसको हम पॉली न्यूक्लियोटाइड कहेंगे अब पॉली न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमेरिक चेन की बात करें तो इसके एक एंड पर फिफ्थ पोजीशन का फॉस्पेट ग्रुप और दूसरे एंड पर थर्ड पोजीशन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है अब देखिए किसी भी पॉली न्यूक्लियोटाइड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब देखिए फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो उसको फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस से आइसोलेट किया गया था और वो एसिडिक नेचर का था इसी वजह से जो इस तरह के माइक्रोमोलोलिक्यूल्स हैं उनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और अगर न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो वो सेल्स के जेनेटिक मटेरियल होते हैं और हेरिडिट्री इफेक्ट्स के ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स प्रोटीन के बायोसिंथेसिस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं अब देखिए न्यूक्लिक एसिड में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड होती हैं वो प्रोटीन्स और एंजाइम्स के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म की एंटायर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी गवर्न करती हैं